नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्लाइंग अकेडमी धर्मशाला पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो खासकर उन लोगों के लिए या उन अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी है जिनका अभी तक HP पुलिस का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं हुआ है। इस वीडियो में दोनों लड़कों और लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी जानकारी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानकारी हम आपको जो देने वाले हैं वो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जिनमें काफ़ी अभ्यर्थी जो हैं वो बाहर हो रहे हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर मान्य रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को पता ही होगा कि किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी टेस्ट को देने के लिए एडमिट कार्ड जो सबसे ज़रूरी होता है, तो आपको चाहिए होगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं, आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी, उसके बैक साइड में आपके सिग्नेचर रहेंगे, उसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट, उसके बाद आपका हिमाचली बोनाफाइड, उसके बाद जो आएगा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जनरल वालों के नहीं रहेगा कोई भी, जो बाकी जो अगला जो आएगा उसका आएगा सब कैटेगरी, जिनकी सब कैटेगरी है, जो आते हैं BPL IRDP में, तो उनके जो वो सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट रहेगा, जो ड्राइवर वाले रहेंगे उनका जो लाइसेंस रहेगा, और बाकी सब डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे ऐसे कैसे। तो दोस्तों, ये जो सब डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं बिल्कुल ओरिजिनल लेके जाने हैं, आप कोई फ़ोटो स्टेट नहीं लेके जाएं, ताकि आपको वहाँ पे कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। आप सब ये जो हैं आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेकर जाएं। अगर किसी को या किसी के पास कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट नहीं है या याद से मतलब घर पे रह जाता है, तो वो अपने घर वालों से व्हाट्सएप पे उसकी फ़ोटो मंगवा लें और वहाँ पे हेल्प डेस्क पे वो उसकी फ़ोटो स्टेट या फ़ोटो कॉपी उसकी निकलवा लें, ठीक है। तो दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि काफ़ी अभ्यर्थियों को ये डाउट है कि उनकी जो चेस्ट है, OBC वालों को मेनली, कि उनकी जो चेस्ट है उनमें उनको छूट है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। दोस्तों, बात ऐसी है कि अपनी जनरल कैटेगरी के रहेंगे और जो अपने OBC कैटेगरी के रहेंगे, उनकी जो चेस्ट है वो सेम रहेगी। उनकी जो चेस्ट है 31 इंच x 32 है, लेकिन जो ST SC की जो चेस्ट है वो 29 x 30 इंच है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो जनरल गोरखा जो रहेंगे उनकी भी जो चेस्ट है, उनकी जो चेस्ट है वो रहेगी 29 x 30 इंच, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कन्फ्यूज़न था आपका, जो हमने आज क्लियर कर दिया है। बाकी रही बात, जो आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, वहाँ पर हर कैटेगरी की अलग जो है वो मेरिट बनेगी, उसमें सबको छूट मिलेगी दोस्तों। आई होप कि आपको हमारी आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको दोस्तों ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी कुछ इसमें, तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी को कोई डाउट रहा होगा तो वो हमारे जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।